जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी जी द्वारा विकासखंड गंगेश्वरी के गुरेठा में बनाए जा रहे वृहद नंदी विहार गौशाला का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी गंगेश्वरी को निर्देश देते हुए कहा कि पूरे नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में टीन शेड बनाए जाएं और कम से कम 5 पूरे क्षेत्र में तालाब पशुओं को पानी पीने के लिए होने चाहिए। कहा कि तालाब ऐसे खुद बनाए जाएंगे कि पूरे अभ्यारण्य को वह कवर कर सके। अधिक से अधिक छायादार वृक्ष लगाया जाए और चरी बुआई जाए जो कि पशुओं के चरने के लिए होगी। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि यह सभी कार्य अगले निरीक्षण तक हो जाने चाहिए। कहा कि जनपद की सबसे बड़ी परियोजना है, इसमें गायों के पानी के लिए समर सेबल की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आसपास घूम रहे पशुओं को इस गौशाला में छोड़ा जाए। कहा कि नंदी विहार तैयार होने के बाद कोई भी पशु क्षेत्र में बाहर नहीं दिखेगा, यह इस नंदी विहार को बनाने की योजना है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ल, उप जिलाधिकारी हसनपुर, खंड विकास अधिकारी गंगेश्वरी, ब्लॉक प्रमुख गंगेश्वरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी, ग्राम प्रधान व लेखपाल उपस्थित रहे। ये देखिए आयुक्त महोदय के निर्णय के क्रम में हम लोग जो है यहाँ पे नंदी विहार के रूप में इसको डेवलप करा रहे हैं गुरेठा गाँव में। और ये काफी यहाँ भूमि हमारी जमीन 600 बीघे के आसपास जमीन है, इसमें से 400 बीघे में तो आपका आप देख रहे हैं जिसमें शेड भी बन गया है, 2 तालाब हैं और भी तालाब बनाए जाएंगे, शेड और बनाए जाएंगे, कार्रवाई की जा रही है। और बाकी जो भूमि वाली है उसमें हम लोग चरी उगा रहे हैं, उसके लिए भी प्रबंध कर रहे हैं। ये इसमें कोशिश है कि जो हमारे नंदी हैं उनको जो है खुले रूप में ही यहाँ पर छोड़ा जाए और जो क्षेत्र की हमारी समस्या है, जो गौवंश बाहर रहते हैं उनके एक अस्थायी मिल जाएगा, एक छायादार जगह मिल जाएगी, खाने की व्यवस्था रहेगी और स्वतंत्र रूप से अपना रहेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भ्रमण करने आए थे, काफ़ी काम हुआ है, कुछ काम अभी और इसमें होने हैं। इसको क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सहयोग से भी इसमें कराए जाने के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया है, तो बाकी लोगों के सहयोग से भी करा रहे हैं। एक अच्छा प्रयास है और जनपद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए कितने ये देखिए प्रोजेक्ट धनराशि के लिए बारे में आपको बताना होगा, किसमें शासन स्तर से धनराशि कि नहीं, इसमें हम लोगों ने कोई प्राप्त किया है ना, हम आवंटन नहीं है, हम लोग इसको सहयोग से ही करा रहे हैं, कई अन्य सोर्सेज से डबल करके करा रहे हैं। इसलिए जैसे आपको बताना कितने धनराशि का बनना है इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन बाकी लोग सहयोग कर रहे हैं, अन्य सोर्सेज से करके इसको बनाया जा रहा है। कितने समय में पूरा हो सकता है ये? मुझे लगता है कि 3 माह और लगेगा। और वैसे तो देख रहे होंगे आपकी लगभग 100 सवा 100 पशु इस समय इस एरिया में आपके हाथ से ही आवासित हो गए हैं, बल्कि रह रहे हैं, लेकिन ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट 3 माह और लगेगा, क्योंकि अभी हमें कम से कम 3 शेड और बनाने हैं, तालाब का विसर्जन कराना है, तो 3 माह के समय की और इसमें आवश्यकता होगी। सर इतनी बड़ी ये गौशाला होने के बाद में भी इसमें अभी तक 150 ही पशु हैं, जबकि आसपास में जो सड़कों पे बहुत ज़्यादा पशु नज़र आते हैं। ये गौशाला दरअसल में अभी जैसा बता रहे गौशाला स्वरूप में नहीं है, यहाँ पे जैसे कोई मतलब गौवंश को खिलाने की व्यवस्था के अलग से यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ खुले रूप में रहेगा, नंदी के लिए है ये। अभी इसमें तो अभी इसके अभी तो इसमें और पशु आएंगे, अभी इसमें काम चल रहा है ना, मैंने आपको बताया। ये तो कुछ पशु जो है आप देख रहे होंगे कि स्वतः अपने आप यहाँ पूरा यहाँ पे निवासित कर रहे हैं, तो भाई यहाँ उनकी सुविधा मिल रही है, यहाँ प्लेटफॉर्म बन गया है, पानी सुविधा है, इसलिए वहाँ पे वो इसका लाभ ले रहे हैं।